ग्रहण कर स्नान करले साधु मानक समस्त सी दान पुण्य करले लोक सा बापा माँ को कोलरे बस ले बसी करी जिसे कितने सौंये बस वाले गला ताको बापा ने फिर पूरे किए करी इधर ताको कोलरे बसी ले जसोदा माँ पर कितने बजे सब मैंने करा कृष्ण के इधर सौंये बस है ना जसोदा माँ पर कितने बजे सब मैंने करा किंतु ये बात से ना रसल में कृष्ण बसी ले माँ जसोदा को स्तनल से समस्त ऋण को कहीं मुक्त ही पार थी कि तो बाबा मां को ऋण के मुक्त ही पार बनी कि तो मैं बहुत कार्य के व्यस्त है बाबा बोले मैं आशी बार कर थी मैं अपराध जमा कर दो बाबा मां को बोले बस ले तापर से मिले कहाँ का सांगे उनसे सत्ता मान का सांगे मिले तापर सांगे मिली थी तापर से 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 गोपी मान का सांगे से से राधा रानी का सांगे मिले इतने राधा रानी को सांकर से मिले ताकि उसे राधा रानी को पद से सांत्वना दिले राधा रानी को देखो तेरा होते सही कृष्ण मुंह में सही राधा जब ये तेरे आपे जमुना कुल रे जो कि सुंदर कलर ना रे जमुना प्रभाव ये तो मिला जो कि सुंदर मधुर गीता को मिले हैं जो कि कोई के जीवन कुहू कर मिले जैसे सुंदर विभिन्न प्रकार के तो की पावर दी जुई विभिन्न प्रकार के फूलों को भी दिला सही मुंजेर जितने बड़े आने तमाशा करे मिले चुको ये के आनंद दर्श एटली सही आनंद ना सही कृष्णा लेते में दिल तो पर बहुत पंखा बोले तमा हाथरा बंसी को भी अच्छी तमस भीतर तक कौन से वृद्धावन रे कौन से जीना ना है यदि तुमने प्रभु का हमको आनंद देवा नहीं चाहूं जो हमार हृदय जो फिर अतरे करने बसो तमो को हमें नहीं दूं कोड़ी की वृंदावन नहीं थी वो वृंदावन के तेरे जमुना को लड़े से कुंजे भी तेरे 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 भी वो तेरे आपको पूर्ण शांति हो तेरे रथ यात्रा कौन ये रथ नुआ एक ना होती राधा रानी पर हृदय एक ना होती राधा रानी पर हृदय कृष्ण बसी करी ताको गोपी भाव रे ताको राधा रानी का भाव रे राधा रानी का कोटे नहीं आती गुरु क्षेत्र में ताको नहीं आती वृंदावन ऐसा होते प्रकृत जगन्नाथ का रथ यात्रा बुझवा सकते हो वो रथ यात्रा में की रथ यात्रा की होलो राधा रानी जब हम तीन से गोविंद का संगीत अनेक दिन पर मिले चे 100 वर्ष पर मिले चे तब हम राधा रानी बोल चे देखो गोविंद तुम ही तो कोई गोविंद हम ही बोल रहे हैं राधा तो जब हम चे जमुना कुल्हा पर मिले चला हैं जब हम सेखाने जमुना नदी प्रवाहित हो चे सुंदर सेखाने फूल फुटे आ चे चंद्रमा किरण वही कुंजर मध्य जब हम तमाम से मिले चला ना वही ये आनंद रूपो वही आनंद एकाने पावा जा चे ना एकान का हाथी घोड़ा तमार शरीर मध्य वृंदा वृंदा मेरे को चीनो ही नहीं तुम्हार पासी का कुत्ता है तुम्हारे मोर बाहर कुत्ता है तुम तो से राजा पर से कारण पर आ चो अगर तुम भी अपनी आमा के आनंद देते चाहो तुम ही आमा हृदय रूपी रखते तुम ही बसो तब आमी तुम्हारे कुदाई की जाओ ट्रेंड के नहीं आमी तुम्हारे की जाओ प्रिंटा पर ट्रेंड के की जाओ वही प्रिंटा पर नहीं वही कुंजे तो जब ना तुम तुम्हारे से मिल बो ना तो हम हमारे पूर्ण आनंद हो अगर इधर रोते जाता है राधा रानी नीचे तिनी हृदय रूपी रखते तिनी गोविंद के तिनी वसीय कुदाई की जाओ गुरु कदर करें तेरे मीर जाते ने प्रताप ने गुरु कहते मीर जाते ने प्रताप एक लाइन बोलो प्रकृति ने रथ यात्रा रहस्य उस बात में तो इतने हमारा कोई भाव नहीं था वो इतने महाप्रभु जब हम रथ टांगते हैं ना वे राधा रानी के भाव पे कौन कौन की हो तो राधा रानी चिंता करते जी वो भी तो इस सबसे सबसे आमार के भी जाते ना इसे गुरुते जाते वो आमार के भी जाते ना गुरुते जाते एक तो परीक्षा कराते ने महाप्रभु तिथि की करते कौन कौन के पीछे चलते जब ना पीछे चल गए तो ना आ जगन्नाथ हर अंत का नरक ना जगन्नाथ को करते थे तो ना माने जगन्नाथ की बोल चे कृष्ण को भी तो बोले हे राधे आमी के वृंदावन जाची के बोले तुम्हारे के नहीं जाची आमी आज कार के नहीं जाची ना केवल आमी तुम्हारे के नहीं जाची आज यदि महाप्रभु जब हम आगे चले आते ना तब जगन्नाथ की कर दो
धीरे 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 आवाज लगाना भी धीरे 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 चलता करते लेकिन रथ यात्रा के बोलो राधा रानी क्योंकि गोविंद के हृदय रूपी हमारा यही भाव है बुझा कर तो हमारा यही भाव है हमारा प्रभु को चिन्ह कृष्ण जितने भी प्रसन्न हन হ্যাঁ প্রসন্ন কখনো তুমি পূর্ণ প্রসন্ন হয় যখন ভালোবাসার লোকের সঙ্গে দেখা তাই না যেখানে প্রেম পাওয়া যায় সেখানে তো আমরা যাই না কোথায় যাই আর দেখো কিছু রথযাত্রা হে জগন্নাথ জি রথ উপর যে বেঠতে ও দিল্লি প্রসন্ন ইতনে প্রসন্ন রহতে আপ সোচ ভি নহীঁ সকতে ইতনে প্রসন্ন জগন্নাথ রহতে বলে জগন্নাথ ক্যুঁ হমারে উড়িষ্যা মে আপনি উড়িষ্যা কা হে না দেখো ধ্যান দেখে শুনো पागल मार दीदी बुझ पा रहे इतने उड़ीसा में जब जगन्नाथ की रथ यात्रा होता था हमारे देश में जो गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको मना कर देती थी बोले तुम रथ यात्रा दर्शन करने मत जाओ बोले क्यों बोले जगन्नाथ जब रथ के ऊपर बैठे हुए होंगे अगर तुम उनको देखो बिना तुम्हारे पेट में जो बच्चा का आंख भी बड़ी बड़ी हो जाए ये आंख भी बड़ी बड़ी हो जाएगी क्यों जगन्नाथ जब रथ को बैठते हैं वो इतने प्रसन्न रहते हैं बोले इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं क्योंकि कृष्ण जो जा रहे हैं वो वृंदावन में अपना ब्रजवासियों को साथ में मिलने जाते हैं हम जगत में सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं जब किसी प्रेमी के भक्त को साथ में किसी जिसको ज्यादा प्रेम करते जब उनको साथ में हम रहते हैं ना उसी समय में सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं इसलिए आज कृष्ण जो जा रहे हैं ये रथ नहीं ये राधा रानी की हृदय रूपी रथ है कृष्ण बैठ करके अभी जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से जा रहे हैं वृंदावन इसलिए वो इतने प्रसन्न जगन्नाथ जी है इसलिए कहते रथे वाहन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते अगर ये रथ यात्रा में एक बार के रथ को परम श्री जगन्नाथ को दर्शन कर ले शास्त्र कहता है जगत में उसको पुनर्जन्म नहीं होगा पुनर्जन्म नहीं होगा इसलिए कितने महत्व है जगन्नाथ जी को जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना कैसे देखना अंदर में रख लेते हैं स्क्रीन लगा देते हैं भोग लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे नहीं वो रथ जितने दूर तक केवल रथ दिखता है पटेलों को देखना बात जो कुछ भोग लगे लाए जय जगन्नाथ महाराजा सब जय जगन्नाथ बस ऐसे दिखा देते हैं बात जगन्नाथ वही सही तुलसी पता देकर भोग लगा देते ठाकुर जी ग्रहण कर लेते जितने दूर से रथ केवल दर्शन कर दर्शन होता है रथ इतने जगन्नाथ की महिमा इसलिए जगत में जितने फेस्टिवल है विशेष करके गौड़ीय वैष्णव के पृथ्वी में और जितने आप उत्सव देखोगे अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं लोग देखोगे ना कौन सा उत्सव में देखोगे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा में इतने भक्त लोग होते हैं एक एक रथ में चार चार रस्सियां वो आधा मील तक दूर है तथा स्त्रियां तो छू ही नहीं सकती हो स्त्रियां तो छू ही नहीं सकते हो हम जैसे व्यक्ति भी रथ की रस्सी को छूने के लिए तरस रहे हैं कैसे रस को अपना छू ले हम भी छू ले पाते हैं इतने रेस है इतने लोग वहां पर रथ यात्रा में इतने लोग रथ यात्रा में इसलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है ना ये रथ यात्रा है और विशेष करके गौड़ीय वैष्णव में सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है केवल रथ यात्रा है क्योंकि श्री सच्चिदानंद ने गौरव है अगर किसी उत्सव में देखोगे सारे गौड़ीय वैष्णव कहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्री महाप्रभु को साथ में केवल आप देखोगे ये रथ यात्रा उत्सव में ही जितने सारे गौड़ीय वैष्णव एक जगह में अगर कभी हुए तो श्री रथ यात्रा में ही हुए हैं इसलिए महाप्रभु सात दल जगन्नाथ जी को दो सहायक एक पीछे एक सामने चार दल में महाप्रभु कीर्तन करते थे और प्रताप रूप क्या दर्शन करते थे हर दल में हर ग्रुप में महाप्रभु अलग अलग रूप में महाप्रभु को दर्शन करते थे जैसे कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण है ना आप महाप्रभु उसी समय में प्रताप रूप देखते थे हर दल में महाप्रभु हाथ उठा करके बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जोर से बोलो प्रसाद बढ़िया मिलेगा बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की
मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, सुभद्रा देवी की जय, सुदर्शन चक्र की जय। इसलिए ये जगन्नाथ जी उत्सव में ही महाप्रभु के सारे परिकर, इसलिए अगर आप देखना आज जाओ रथ यात्रा में देखना सारे गौरी मठ के लोग, जितने सारे गौरी मठ के लोग सबके सब अलग अलग दल को लेकर के आज इधर आ जाओ, इसलिए सबको अलग अलग रूप में लेकर के देखना सबके सब कीर्तन करते हुए देखोगे। इसलिए जो रथ यात्रा है हमारी विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? आज स्वयं राधा रानी हृदय में कृष्ण को बैठा करके और कृष्ण को साथ में यदि ये मिलने के लिए और कृष्ण से मिलने के लिए राधा रानी ले जा रही है श्री इसको जगत कृष्ण को ले जा रही है। इसलिए ये रथ यात्रा की विशेष विशेष महत्व है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए लेकिन 8 साल तक यहीं पर रहे, कहीं नहीं गए, यहीं पर रहे। क्यों यहाँ पर रहे? वो तो आए थे राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने के लिए, कैसे राधा रानी कृष्ण महिमा को प्रेम का आस्वादन करती है, हैं? केवल इसको आस्वादन करने के लिए यहाँ पर क्यों रहे महाप्रभु? बोले कारण है उनकी इच्छा जो जगन्नाथ का जो स्वरूप है, श्री गौरव गोविंद महाराज कहते थे ये राधा विदुरा महाप्रभु कौन? बोले कृष्ण विदुरा, वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और जगन्नाथ जी किसको ढूंढ रहे? बोले राधा रानी को। इसलिए राधा जी को इसलिए रूप क्यों हुआ? बोले कृष्ण राधा रानी के प्रेम को दर्शन करते हुए, उनकी प्रेम को दर्शन करते हुए द्रवीभूत होकर के श्री जगन्नाथ जी हुए। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रूप है ना उनको कहते थे कालिया, केवल मुंह काला है लेकिन उनका शरीर भी काला नहीं है, उनका शरीर गौरव वर्णा है। क्यों? कहते राधा चिंता निशेषा, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की चिंतन करते करते गौरव रूप धारण किए थे, यहाँ पर कृष्ण राधा रानी की चिंतन करते करते उन्होंने श्री जगन्नाथ के रूप धारण किया। इसलिए ये हमारे गौरीय वैष्णव के लिए जिसमें राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ तो यहाँ पर स्थापन हुई है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान, हमारा खूब भाग्यशाली, हमारे खूब भाग्यवान हमारे गुरु वैष्णव कर अनुगत्य श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को पावन करने के लिए आए थी और गुरु जी के अनुगत्य में, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली। ताली बजाओ मेरे दिल में। चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। परम आराधितम् विरूपाक्षम् नित्यलीला प्रविष्टम् विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम् श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज
सब सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम करो क्या है कि कृपा प्रार्थना करता हूँ उड़िया वक्त अच्छे अच्छे मिल रहे तो मैं उड़िया वक्त आता हाथ करो तुम्हारे बुजुर्ग उड़िया से ये बात क्या मतलब लगा कि हिंदी वैसे लोगों का हाथ हो गया आज वो भी उड़िया हो गए हाँ आज सब उड़िया सब उड़िया हाँ नवदीप अगर ले बंगला बुझेगा तो बढ़िया हो कहेगा तो बढ़िया नाले रास्ता मिलेगा ना आओ माया पर पहुंच जाएगा कथा जाओ हिंदी कहले वृंदावन मिलता हिंदी भाषा निश्चित जरूर मिले देखिए कौन कहते बुझा पड़े तथा उड़िया हिंदी मिसे तो बुझी ही जाती और काम कर तेनालीसा आस पड़े आम ओडा लोक कि बड़ कोऑपरेटिव मेंटालिटी सियाड़ कहे हिंदी कहे सब कुछ कहे एठी आसला मैं तुमको कहें तुम ओडिया कह मुझे तुमको कह से शिखे हिंदी कह तेरे जहा हो महादेव वैष्णव आदेश पूजपा भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी पूजपा संजय प्रभु नाराज प्रभु सुंदर गोपाल प्रभु नवीन गोपाल जी समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद मामने समस्त प्रणाम स्वीकार गुरुपाद पद्म की गुरुपाद पद्म कर इच्छा रो क्षेत्र परिधाम विप्रलम्ब क्षेत्र रहे ये स्थान से प्रकाश करे और तापरे पुनि ये स्थान में जो चयन करे जरा अप्रकट लीला स्थली रहे विप्रलम्ब क्षेत्र विराह स्थली क्षेत्रपुर पाखे अनेक अनेक वैष्णव मान अप्रकट स्थली देखा जाए श्रील हरिदास ठाकुर नामाचार्य श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज अनेक वैष्णव ये स्थान को ये धाम को निजर अप्रकट स्थली रूप से चयन गुरुपाद पद्म मध्य यद्यपि ब्रज रस रसी वैष्णव किंतु तथापि ये विप्रलम्ब क्षेत्र को चयन कले निजरा अप्रकट लीला प्रकाश करम मानी यही लीलास्थली विशेष भाव अनेक अनेक महिमा मंडित आम मानी विशेष विशेष गुरुत्वपूर्ण ना गौड़ मठ गोटे होटेल के संभव ना ये स्थान जो या गेस्ट हाउस करते बहुत झुंझट से रेजिस्ट्रेशन कर चक्रवृद्ध बाबा रहते से बाबा ये बाबाजी महाराज के रोते सहित कौन किसी झगड़ा ना कौन किसी से कहले तुम्हारे होटल चलेगा नहीं ये हम लोग का स्थान हो आत किसी दिन पर होटेल चौपर चलानी यद्यपि पुरी रे इनकी होटल नाला बहुत अमिताभ बच्चन बड़ बड़ स्टार मैंने आसते भल कलेक्शन होता कितु बिजनेस लस जाऊला कलेक्शन भल होता बिजनेस लस जाऊला आस धरी सब आड़े बुलवा स्थान कि मिल ना जदिबी पुरी में बहुत स्थान बहुत लोक लगी कि स्थान चक्र तीर्थ कृपा गुरुदेव इच्छा ये प्रकाशित है स्थान निज हृदय प्रकाशित राधा दामोदर महाप्रभु आसवाजे ये स्थान को पुणी संरक्षित और सुरक्षित भाव रखे जहाँ सी थी समय जब भी इच्छा थी गुरुदेव से समय या कि मन राज्य जो स्थिति हृदय प्रकाशित वस्तु एवं प्रकाशित है तेणु तार विशेष भाव जो इच्छा था वैष्णव मान विशेष गुरुदेव गुरुदेव कहते देखो मैं चाहता हूँ बगल में अगर जमीन सही हो जाए जगवर्धन ने बोले थे कि 300-400 लोग जैसा बैठ सके केवल नाट मंदिर हो तो आज ही स्थान को रखिए मन सतर हृदय आनंद भरी जाऊँगी आज 300-400 लोग बसापी
ऊपर नाट मंदिर है कल्याण किंतु इटा तो है ही आज गुरुदेव निश्चित भाव है बस न चले जाओ रथयात्रा रे जते भी ये रथयात्रा माने बहुत प्रस्तुत थिलो जे केमे देव केमे जे भक्त माने आसी परिबे आनंद रे रह परिबे और प्रसाद ऊपर हे जीव हात पड़ जाय जीव सब थुनी खोलाय जे तो किंतु दैव दुर्योग होई पारे दैव दुर्योग नै माने हमार का प्रचेष्टा तो बहुत ठीक भाव रे हे परलानी आउ तणो सेटा मते हे परलानी विलंब हेगा तणो से छात ऊपर बाकी ने नाम आम आशा करते बंगाली भक्त मानते आसती बहुत लोग को इनभाइट करता ओडा लोक अणाई कर कि टारगेट फुलफिल होगा जो ओडा लोक आम वंचना करने आम प्रथम रथयात्रा वंचना करवाई श्रीक्षेत्र परिक्रमा कराला जे आपण मैंने पढ़े आसतु जो मैंने आसवे परिक्रमा कर प्रथम पढ़े जाता पूर्व आम मैंने श्रीक्षेत्र परिक्रमा करूँ प्रायत दुईश भक्त आम दुई सौ भक्त आसी जाइए ना से दुई सौ मिशी था आम व्यवस्था करवा बहुत असुविधा हो प्रथम से डकैदे जो भक्त मैंने आसुच्च स्पेशल निजर इंटरेस्ट नहीं आच्छा नहीं ओडा भक्त रथजात्रा विनति हो पारे पड़े आस तेनाली समस्त वैष्णव मान प्रबल इच्छा था दु वर्ष रथजात्रा को आसवर सुजोग मिल पार नाला तेना कारण आम मानते जो चाहिए इच्छा कले जगन्नाथ कृपा हेल्ले पड़े आस बाहर जो भक्त मैंने आसती बड़ मुस्किल आजिकल जब सुविधा है तथा वैष्णव मान इच्छा जो कृष्ण राधाराणी निज गोपी मान सहित जमी कृष्ण को कुरुक्षेत्र वृंदावन बड़ को जात करती टाणी से ही समय आसवापी समस्त मनरे इच्छा था दु वर्ष करोना काल बंद था आ यही वर्ष जहा भगवान भक्त मान सहित लीला करने जगन्नाथ लीला करने इच्छा प्रकाश कले वैष्णव मैंने आसवाप इच्छा कले जाओ आसवा पूर्व जी मात्र आम भक्त मान पूर्ण सहयोग ये व्यवस्थित हो पारा तेणु जहा वैष्णव मान आगमन और आनंद देती आर कृपा विशेष कर भक्ति वेदांत महाराज आनंद करे आम मैने प्रथम दिन दर्शन को समस्ते आप जाते बहुत सुंदर दर्शन होगा से महाराज हरिकथा आपर सका सका गली गुंडीचा मंदिर मार्जन से गुरु वैष्णव कृपार प्रशासन तरफ बंद था कि आम भक्त मैंने जाए जगन्नाथ दर्शन कले आर्जन लीला कले महाप्रभा समय से ये प्रथा आ रही आपने कैसे इस साल बंद कैसे कर दिया ये भक्त लोग किसी भावना को साथ में आते ही लेकिन उन्होंने बताया अलगरी मंदिर तो साफ सुथरा है साफ सुथरा को लेकर बात नहीं बात ये है भक्त लोग जो भावना को साथ में जो आते हैं ये बड़ी चीज है इसलिए ये सही नहीं फिर वो प्रार्थना चैनल में दिखा दी दिशा फिर उसका जो माली को उन्होंने फोन किए सब कुछ ये करके नष्टा पूरा थोड़ी समय में मंदिर को उन्होंने खुलवा दिया अगर ये नहीं होते तो हम लोग महाप्रभु का समय से जो प्रथा आ रहा है वो प्रथा ही बंद हो जाती है इसलिए महाराज की महाराज ने इच्छा की है तो गोविंद ने जगन्नाथ जी ने स्वयं प्रकाशित किए महाराज हमको बड़ा फल देते हैं वैष्णव की कृपा के बिना जगत में कुछ नहीं होता है सारी वैष्णव की इच्छा हुई तो विशेष करके महाराज की इच्छा हुई तो दुख किए तो वैष्णव की आचार्य की तो इच्छा जगन्नाथ जी जानते हैं तो प्रकाश किए चलो जैसे भी हो बड़ी आनंद रूप से हमारे रथ यात्रा की जो गुंडीचा मंदिर मार्जन की जो पर्याय बड़ी सुंदर रूप से भक्त लोगों के साथ वैष्णव के साथ संपन्न हुई फिर उसके बाद हम लोग इंद्रन सरोवर में स्नान करके जिन लोग भक्त स्नान करना फिर मन में आए कल अच्छी तरह शाम को भी परिक्रमा हुआ कोई और आज सुबह की कथा कीर्तन
इतना बड़ी सुंदर रूप से और विशेष करके कोई भक्तों का भी खास कंप्लेन नहीं है। ये कंप्लेन नहीं मतलब हमारे बड़ी सुंदर व्यवस्था के कारण नहीं, या अपना उदारपन से कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, अच्छे इतना अच्छा व्यवस्था हो नहीं पाया। हमारे काफ़ी काफ़ी भक्त लोग आए, एक एक रूम में गोटे गोटे रूम में चार पाँच जन छः जन रहते किन पचारे आबकि ठीक भल अच्छा कि असुविधा नहीं ना ना महाराज कि असुविधा नहीं बहुत बढ़िया आपण पढ़े था आम रूम रही खाली कौन करवा कह मैंने सहयोग वृत्ति में भगवान रथजात्रा को आसी पूर्ण मात्रा सहयोग कर आमर जो ब्रह्मचारी मैंने अच्छा समस्त भक्त मान आम गृहस्थ भक्त मान ब्रह्मचारी तो जीवन दे पूरा सब भक्त मानी व्यवस्था ना हो ना मुझे तो प्रचार थी दस बार दिन पर आस जस्ट पर पहुँचली किंवा मैं से भगवान प्रभु ब्रह्मण प्रभु वृंदावन प्रभु जिनेति प्रभु आदि सब भक्त मान लाग पड़े आगे पूरा कमी सेटिंग हे भक्त आसमी रे कौन व्यवस्था हे रोसई कोठा हे बैथिंग पाल फाल घोड़ा हे सफा सारी चीज आम गेस्ट हाउस स्टाफ मान तेणु समस्त को आपण मैंने कृपा कर समस्ते जमी भक्ति और सेवा भक्ति से अधिक अधिक हूँ और सेवार अधिकार मिले वैष्णव मान कृपा महाराज जमी कथा करूँ बड़ सुंदर सुंदर भाव हरिकथा मत आगामी पर्याय आगामी आम मैंने ठीक एगारटा समय बारटा ରଥଯାତ୍ରା ଚୈତ୍ର ଗୋଟେ ମଠକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତାପରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ସାଥିରେ ପାଠ 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 ହେଇଯାଏ ଆଉ କିଛି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ 11:30-12 ଭିତରେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ ସମୟ 11:30 ମହାରାଜ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ 11:30 हम लोग सब लोग आ जाएंगे सामने। प्रसाद अभी 10:30 हो जाएगा एक घंटा में। आप लोग बड़े एडजस्टमेंट के प्रसाद पा रहे हो, चार बार चाहे हो रहा है, लेकिन सब लोग ध्यान से उसी ग्लास के दरवाजा है उसको इतना जब धक्का देते हैं तो टूट ना जाए। भक्त लोग भी अच्छा तो कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कभी कभी भूखा पेट में भोजन न है गोपाला तो उसी समय सारे यार भूल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान देकर आप लोग आइए, प्रसाद पा लीजिए और हम यहाँ से निकलेंगे 11:30 बजे। और सचमुच सतकथा देखा गले जगन्नाथ महाप्रभु ये पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विराजमान करिसंति। ये विरह विधुरा मूर्ति राधारणीकर विरह रे राधा भाव रे विरह जहाँ फल निजर स्वरूप को विधुरा हो जाए स्वरूप से प्रकाशित कर जगन्नाथ महाप्रभु प्रेममय मूर्ति राधा लिंगित विग्रह जगन्नाथ अष्टवरे शंकराचार्य जी चैतन्य महाप्रभु निज मुखर बाहर करी कहले कि मुख निश्रुत वाणी परम ब्रह्म पिड्यो कुवलयो दड़ोत फुल्ल नयनो निवासी मिलाद्रो निहित चरणो नंत श्रेयसी रसानंदो राधा सरस बपुरा आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन प्रदानी भवतुमे। कि रसानंद राधा रसरा आनंदमय जी रसरा आनंदमय विग्रह राधाराणी तर आलिंगन सुख को जे आस्वादन करें जगन्नाथ महाप्रभु तेणु स्वरूप पूरा महाराज कहते हैं सर्वांग सुंदर गौरवर्ण जमी राधा भाव मुखमंडल कला कला माने उज्ज्वल कि स्वयं कृष्ण अर्थात से कहते मुझे भी राधा भाव विधुरा राधा भाव राधा आलिंगित किंतु मु कृष्ण आए नु तेणु यही भाव से प्रकाशित होती कुरुक्षेत्र ये द्वारिका धाम किंतु द्वारिकाधीश कृष्ण किंतु भाव जेहेतु राधा भाव विभाजित तेणु चैतन्य महाप्रभु जी अवतार कलिजुगर प्रेम मूर्ति प्रेम अवतार गौरांग सुंदर सन्यास नहीं अंतरंग भाव को आस्वादन करने विप्रलम्ब क्षेत्र को आस
जगन्नाथ महाप्रभु प्रत्यय दर्शन विग्रह महात्म साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन भाव प्रकाश गंभीरा निजर अंतरंग भाव आस्वादन एवं रथ यात्रा रे निजर पार्षद मान सहित अनेक भाव सहित जमी राधाराणी कृष्ण सेवा करने उद्देश्य तीन शह चौसठी भाव तीन सौ चौसठी भाव है तीन सौ चौसठी प्रकार युद्ध और विशेष भाव तर आठटा भाव में आठ जन सखी काय गृह रूप निजर ललिता विशाखा चंपकला आदि शक्ति मान को प्रकाशित करती आई भाव रे गोटे गोटे भाव रे जन जन सखी से भाव रे कीर्तन कर कृष्ण सेवा करती कृष्ण को आनंद दिखती राधिनी शक्ति रूप श्रीमती राधारणी सेमती चैतन्य महाप्रभु कीर्तन द्वारा जगन्नाथ महाप्रभु को आनंद दिखते यद्यपि स्वयं कृष्ण किंतु भक्त भाव अंगीकार करेतु कृष्ण को सुख प्रदान करने ये राधा भाव रे विधुरा हेले चैतन्य महाप्रभु किंतु राधा मूल वस्तु राधा भाव को आस्वादन कर तेणु सी राधा विरह ये राधा भाव आस्वादन तेणु सी हूँ अचल कृष्ण ये हूँ सचल कृष्ण किए चैतन्य महाप्रभु तेणु से निजे निजर भाव में जगन्नाथ को जमी सुख देवाक चाहती से भाई सात दल को कीर्तन में विभाजित कले आजे सात दल ने कीर्तन कले जगन्नाथ को आनंद प्रदान कले जगन्नाथ महाप्रभु कीर्तन ही आनंदित हो आज महाप्रभु से प्रेरित मार्ग को आम मैंने पाथेय कर आज मध्यम रथ सामने कीर्तन कर बड़ा आनंद कीर्तन हुए जगन्नाथ महाप्रभु आम विशेष कृपा कर अन्य अन्य कीर्तन दल महावैष्णव आसती कि छोटे छोट माइक थाए बेस समय कीर्तन दल मुस्किल हुए समस्त वैष्णव कीर्तन करती कि आमर वैष्णव मान कृपा गुरुदेव आशीर्वाद रू गोटे भल कीर्तन माइक साउंड सिस्टम जैक चैतन्य गौड़ी मठ रही है जद्यपि चैतन्य गौड़ी मठ तर मठ तथा व्यवस्था कर पारे मैंने टली फल जेनेटर लगे कि रथ को महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को प्रसन्न देवा सहित जगन्नाथ भूत इच्छा रही मोर ईशा मैंने मोर मन पड़ी गौराज प्रभु ये अच्छा वर्ष कीर्तन तर मन अभिलाष जो कड़े कौन वर्ष सारा आसे ना आसे जगन्नाथ रथ से कीर्तन करने से आस प्रथम वर्ष मेगा वर्ष कीर्तन होता आम उत्तम प्रभु गौराज प्रभु आ समस्त भक्त मैंने कि प्रचुर कीर्तन करते मेगा वर्ष तेनालीर्ष आड़ लोप दे गड़ागड़ी हो कीर्तन करपर वर्ष साउंड सिस्टम व्यवस्था हो गला तेरे जहाँ हूँ वर्ष तेनाली समस्ते कितु नवेदन आम भक्त मान को जो मान को आम आई कार्ड मिले पिंधुना रेजिस्ट्रेसन समस्ते कर जो मैंने जो मैंने हिंदी भाषी आसान करना कर दिखे से बोलते किसी अल्प किसी प्रसाद मानते रेजिस्ट्रेसन करने आस रथजा भक्त मैंने आसान जाए दुई पाँच टाँग बच्चे रेजिस्ट्रेसन चार्ज अच्छी हाँ जो मतलब हम लोग का ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ मठ में आए तो आप लोग हमारे साथ मिले तो आप लोग से कुछ पैसा वैसा लेने के उद्देश्य ऐसा नहीं है एक रथ यात्रा महोत्सव है आप लोग कुछ है तो इच्छा आप लोग मतलब जैसा व्यवस्था से गुरुदेव की मंदिर बन रहा है समाधि मंदिर बनेगा और जगन्नाथ जी किसी प्रकार स्थिति में एक रूम में है और भक्त लोग जितना प्रति से सेवा करते हैं आज ठाकुर जी का श्रृंगार किसने दर्शन किया हाथ उठाएंगे सुबह सुबह ठाकुर जी का दर्शन आज जगन्नाथ जी हमारे मठ में कितना लोग दो चार लोग अभी आप लोग जाके करना कितना सुंदर श्रृंगार बैठा और इसके पीछे हमारे श्यामानंद प्रभु ने उन्होंने एक महीना उन्होंने केवल सोचा कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए श्रृंगार करें उसके बाद ठाकुर जी फिर गुरुदेव की इच्छा से उस श्रृंगार की वस्तु उनके अंदर प्रकाशित हो
कैसा नेट आएगा, कैसा कपड़ा होगी, किस प्रकार लेस लगेगा। हम लोग का तो चक्षु को बड़े आनंद मिल गया, दर्शन करी इतना सुंदर है, लेकिन इसका पीछे भक्त की कितना भावना जुड़ा हुआ है और कितना दिन से वो सोचते रहे। हमारे श्यामानंद, दो श्यामानंद प्रभु हमारे महाराज जी, हमारा जिनका नाम ऐसे है पहले से, उनको अगर नाम देते तो पहले श्यामानंद उनकी नाम दे देते हैं, और बड़ी प्यारी नाम है। तो दो श्यामानंद प्रभु हमारे है, ठीक है, लेकिन उससे समझ में आया, अगर आपको पता है तो बोलना पड़ेगा काला श्यामानंद, नहीं तो गोरे श्यामानंद। तो ये दोनों श्यामानंद प्रभु श्याम सुंदर को आनंद लगने देने के लिए लग गए। काल 2 बजे तक श्रृंगार में थे, 2 बजे रात तक ठाकुर जी को सोने के लिए नहीं दिए और स्वयं भी सोए हैं, और उसके साथ राधा रमन आदि सब भक्त लोग। हम पाते इसलिए कि आप लोग के सामने की मतलब ठाकुर मतलब आप लोग भी सुनना चाहिए, भक्त लोग इस तरह सेवा करते हैं। आप लोग घर में रहने पर भी आप लोग कुछ तो सेवा कर सकते, भावना होनी चाहिए। तो हमारे जो भक्त है वो समीप करते गर्म खुश, वो किसके पास जाती है, मोबाइल की व्यवस्था है तो 2 रुपया अपना कितना प्रॉफिट हुआ निकालते हैं और फिर उसे 10% रखते हैं और उनका 10%, और बोलेंगे ये स्पेशल बोलेंगे कि ये महाराज जी ये सेवा के लिए ठाकुर जी लोग अगरबत्ती हूँ या ठाकुर जी जो प्रतीक है उनके लिए महाराज जी लगना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने खुद भी भक्तों के पास जा जा करके, मैंने पैसा नहीं दिया क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, 50-60 हज़ार श्रृंगार में उन्होंने खर्चा किया, सब भक्तों के पास बोल बोल कर उन्होंने कुछ कलेक्शन किए सारे ब्रह्मचर्य लोग। आप सब लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करो बड़ी अच्छी रूप से। आज मैंने खुद दर्शन नहीं किया था, हमको सरप्राइज देने के लिए कोई बोले नहीं थी क्या क्या श्रृंगार होगा कैसे आएगा, और इतना अच्छा श्रृंगार हमारे ठाकुर जी प्रकाशित होने से गुरुदेव से मुझे तो आज बड़ी प्रसन्नता आया, नया नया रूप में आज ठाकुर जी पूरा प्रकाशित हो रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि ये ठाकुर जी अभी इच्छा करते हैं इधर आएंगे, कहाँ अपना ठाकुर जी श्रृंगार हो गए, उनका घर नहीं अपना रूम है, इधर आएंगे। तो इसलिए ठाकुर जी जल्दी जल्दी करना चाहते हैं आगामी रथ यात्रा में, तो हम चाहते हैं कि क्या करेंगे ठाकुर जी को, आप लोग चाहते हैं कि इधर आ जाए ठाकुर जी, आ जाए ना, अपना घर को सजावट करने के लिए जैसा करते हैं ना, कौन सा मार्ग होना चाहिए, कौन सा एसी होना चाहिए, कौन सा गाड़ी होना चाहिए, अपने लिए सोचते हैं तो भाई जिनके पास पैसा है ठाकुर जी के लिए थोड़ा सोचते हो, हम खुला दिल से आते हो बोले नहीं थे, लेकिन आज हमारे पैमाने पर बड़ी दया है, उन्होंने कितने रुपया उन्होंने दिया है पूरा बनाने के लिए, लेकिन अभी भी सब बनाते बनाते हम थक गए, चक्कर बन गया है। अभी जब ठाकुर जी की सिंहासन बनेगा, फ्लोर बनेगा, हमको पता नहीं था, हमारे अंदर घमंडी था कि भक्त लोगों को कौन मानता है, अपना घमंडी तोड़ कर अहंकार गरिमा तोड़ करके दो बोलने से अच्छा नहीं होती है, जितना होता है बनाते चलो, पैसा तो आ गया प्रभु जी दे रहे हैं, लेकिन अभी हमने देखा हमारे ठाकुर जी हमारे अभिमान को तोड़ते, अभी हम मार्ग अच्छा डालना चाहते हैं क्योंकि एक बार बनेगा ठाकुर जी का मंदिर, तो बनाना चाहते तो मार्बल के पास गया था, बोले 32 लाख पूरा, अगर केवल फ्लोर ठाकुर जी का मंदिर का फ्लोर। हम तो महाराज जी को बोले महाराज और हमारे घर नहीं होगा, नहीं तो आते 30-35 टाइम ना उनको लगा देंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप अगर जैसा ये लोग श्रृंगार करते लोग ब्रह्मचारी नौकरी नहीं करते बिजनेस नहीं करते, तो आप लोग ऐसे ठाकुर जी के लिए पूरा मार्बल जैसे लगना व्यवस्था बनाओ, अच्छा मार्बल होना चाहिए और मंदिर बन जाए। तो हमारी इच्छा है कि आगामी रथ यात्रा को बड़ी अच्छी तरह फिर ठाकुर जी इधर आ जाएंगे और फिर सब भक्तों लोग के लिए व्यवस्था भी अच्छी तरह हो जाएगा, रथ यात्रा अच्छी होगी तो मंदिर बड़ी अच्छी तरह बन जाएगा, हमारी तो इच्छा है। तो चलो ये व्यवस्था तो जल्दी 10-12 दिन में इसको कम्प्लीट करना पड़ा, 10-12 दिन में ये जो फिनिशिंग हुआ ऐसा हुआ। तो आज रथ यात्रा में जाएंगे हम लोग तो अच्छी तरह फिर कीर्तन होगी, और अभी इसलिए हम लोग प्रसाद जल्दी जल्दी कर लेंगे, और प्रसाद 10:30 बजे हो जाएगा, फिर सब लोग 11:30 आ जाएंगे और मारुति कथा बोलेंगे, हमारे ये इच्छा है। लेकिन आप लोग का क्योंकि अभी ये बात मैंने बोला कि शायद मुझे लग रहा है रथ यात्रा आने के बाद तो सब थक जाएंगे, रात को इतना अच्छा कथा हो नहीं पाएगा, सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे,
और काल भी जाने का मूड में काफी भक्त लोग चलेंगे, तो इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि आप लोग इस बार बड़ी, हमने ना डिजिटल मीडिया में ना पर्सनली व्यक्तिगत रूप में किसको इन्वाइट किया, लेकिन ठाकुर जी आप लोग को इन्वाइट किए और आप अपने ही इन्वाइट को, ठाकुर जी इन्वाइट को निमंत्रण को रखा करके आप लोग आगे रहना जी के पास। लेकिन यहाँ रहने के लिए हम लोग ने सब लोग के लिए अच्छी तरह व्यवस्था बना नहीं पाया, किसको बाहर रुकना पड़ा, किसने बड़ी सेवा करते हैं, काफ़ी सेवा करते हैं, काफ़ी साल तक उनको बाहर रुकना पड़ता है। तो और कुछ बंगाली भक्त लोग का आए, उन लोग के रहने के लिए भी अच्छी जैसा व्यवस्था होनी चाहिए, हो नहीं पाया। तो कहाँ कहाँ ऊपर ऊपर भी लोग रहते, ठंडी मतलब हवा है, गर्मी भी इतना ज़्यादा है, पंखा भी नहीं है, इतना भी मतलब कृपाल भी दिया नहीं पाया, तो जितना हो, लेकिन आप लोग अपना उदारपण में ठाकुर जी के गुरुदेव की निवास स्थान पर रह गए और बड़ी कृपा की है। तो सब लोग की हमारे तरफ से आप लोग की प्रार्थना है, कोई खराब नहीं सोचना। और हमारे गुरुदेव कल बोलते थे, गाँव में जब जाओगे तो घर में कभी नहीं बोलना कि हम लोग खराब स्थिति में थे, घर में बोलोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगला वही मठ में जाओगे जो तुमको सीमेंट भरना में सुलाती, वही मठ में जाओगे जहाँ तुमको ठीक से खाना नहीं मिला। हाँ, तो इसलिए जाके मठ में मठ की बड़ी माँ को रखना है, बोलना है कि हम लोग बड़ी अच्छी तरह थे और महाराज लोग सब लोग बड़ी अच्छा किया कि प्रसाद अच्छा मिल गया, और ऐसा बोल करके सब लोग आनंद से फिर अगला बार सबको स्वागत है। और एक व्यक्ति ने दो चार को ही लेकर के आना और जितना व्यवस्था हो सके सब लोग अच्छी तरह फिर स्वीकार कर लीजिए। और बस इसी वाणियों के साथ और सबको फिर अच्छी तरह हम लोग के साथ, और हम सब लोग सेवक है ठाकुर जी का, और सब लोग जैसा परिवेशन के समय में गृहस्थ है तो हम परिवेशन नहीं करेंगे, तो ब्रह्मचारी वही करेंगे, हम आए प्रसाद के लिए बैठे, आधा घंटा प्रसाद के लिए बैठे, कोई ला के हमको प्रसाद नहीं दिया, इसका मतलब ये भी अभिमान नहीं करना है। आप लोग का मठ है, जो कुछ व्यवस्था है उसमें सहयोग करना, कुछ नहीं तो खुद हाथ लगा देना, प्रसाद तो रहता है सब लोग अपना अपना, और कभी प्रसाद की हम तो कोशिश करते, पता नहीं चलता, कभी कभी लोग जा मतलब बढ़ गए तो कभी कभी थोड़ा सा मतलब हमको तो पता है, ज़्यादा से ज़्यादा असुविधा नहीं हुआ, कुछ असुविधा है तो व्यवस्था बना देंगे। तो आप सब लोग मिल करके, जगन्नाथ की उत्सव है, गुरुदेव की अनुष्ठान है, तो हम सब लोग मिल करके रथ यात्रा की महोत्सव को संपन्न करेंगे। आगामी साल हम सोच रहे इसी उत्सव को 5 दिन का व्यवस्था के अनुसार होगी, आप लोग तैयार हैं? जैसा परमपुत्र मंदिर से चाबी देने का है, तो 7-1 महीना पूरा होती है कार्तिक परिक्रमा, 7 दिन होगा नवदीप परिक्रमा और 5 दिन होगी जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा। महाराज जी का अनुभव महाराज जी, हम सोच रहे 5 दिन का ये उत्सव हो आगामी साल, और महाराज जी की प्रेजेंट रहना बड़ी जैसे 5 दिन मतलब मंदिर और रथ यात्रा की 2 दिन और उससे पहले और 3 दिन आगे की, जैसे अलारनाथ जाना और नील माधव और जितने क्षेत्र मंडल का जितने सारे स्थान है, जैसे 3 दिन में सारे दर्शन हो जाएगा और 2 दिन